शिवपुरी फक्कड़ कॉलोनी रहने वाली अनन्या जाटव उम्र 8 साल, आरती कुशवा उम्र 7 साल फक्कड़ कॉलोनी के पास नेशनल पार्क की बाउंड्री के अंदर मोर देखने कूद गई। धीरे धीरे वह जंगल में 8 किलोमीटर अंदर चली गई थी। परिजनों ने ढूंढने का खूब प्रयास किया लेकिन नहीं मिली। जब जाकर परिजनों ने फिजिकल थाने पर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई, रात में ही इस मामले को गंभीरता से लेते हुए फिजिकल थाना प्रभारी कृपाल सिंह राठौर ने अपने दल बल के साथ नेशनल पार्क के जंगल में पहुँच गए। रात भर टार्च से लड़कियों को ढूंढते रहे। बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद सुबह 4 बजे फिजिकल थाना के पुलिस स्टाफ ने दोनों लड़कियों को ढूंढ लिया और उनके घर वालों के सुपुर्द कर दिया। दोनों लोगों के परिवार वालों ने फॉरेस्ट गार्ड एवं फिजिकल थाना पुलिस को धन्यवाद दिया। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम कल्पना है। जी, आपकी बच्चियाँ खो गई थी, ये कैसे मिली और कब खोई थी ये? कल सुबह 6 बजे से गायब है जी। रात भर के जंगल पुलिस वाले देख रहे हैं जी। कहाँ रहते हो आप? पक्कड़ कॉलोनी। पक्कड़ कॉलोनी, तो घर से चले गई थी बच्ची, कितने बजे गायब हो गई थी? 5:30 के बीच शाम को। ठीक है, फिर पहुँच गई थी 12 दरी पे जी बन रही है ना जी जी, वहाँ पहुँच गई थी। कोई चौकीदार ने मैंने पकड़ के बैठा लिया था, खाना खवा के सुबह दिया था। बच्चियों ने कहा मैं घर पर फोन लगाना था, क्योंकि फोन में बैलेंस नहीं था जी, तो इसलिए वहीं सुबह लिया। सुबह ट्रैक्टर में बैठा करके लाए तो जी यहाँ पे फॉरेस्ट की फिजिकल थाना पुलिस भी रात भर मतलब उसमें जंगल में घूमती रही, घूमती रही, घूमती रही कि नहीं कुछ पता नहीं चला। हम लोगों ने भी देखा 4 बजे, मैंने भी देखने गई लेकिन मेरे को भी कहीं नहीं मिली। सुबह मिल गई बच्ची? अब मिल गई 8 बजे के टाइम पे पुलिस वाले की खबर आई मालूम पड़ी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।